नमस्कार। हमारे एक बहुत सेंसिटिव कलाकार मित्र हैं जिन्होंने अभी हाल ही में फेसबुक पर एक स्टेटमेंट किया शास्त्रीय संगीत के बारे में कि जो चीज़ प्रस्तुतिकरण में सुंदर दिखाई दे, सुंदर लगे कानों को, जरूरी नहीं है कि उसका सांगीतिक स्तर, उसका सांगीतिक दर्जा ऊंचा हो। बहुत समझने वाली बात है ये, और यह हमें ले जाती है अपने पिछले सवाल की तरफ कि क्या श्रोता को संगीत की समझ होना जरूरी है, और अगर है तो कितनी समझ होनी चाहिए। मैं जब अपने शास्त्रीय संगीत के बारे में सोचता हूँ तो दो चीजें दिखाई देती हैं। एक एक तरफ है उसका उसका ग्रामर। हम कहते हैं कि संगीत के बहुत सारे नियम हैं, बहुत कायदे हैं, ये करना है, वो नहीं करना है, राग के नियम है, ताल के नियम है, ये सब नियम जो है वो ग्रामर के अंदर आएंगे, और ये ग्रामर तो हर किसी कलाकार को पूरी तरह आना ही चाहिए। श्रोता को ये ग्रामर समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सारे ग्रामर के नियम जो है उनको संभालते हुए भी कलाकार प्रस्तुतिकरण में बहुत फ्रीडम ले सकता है और बहुत फ्रीली उसको डेवलप या एक्सप्रेस कर सकता है। राग को, राग का प्रस्तुतिकरण ही तो अपना पर्पस है। ये जो पर्पस से रिलेटेड दूसरी दूसरी पहलू जो है संगीत की, वो है कोड। और कोड जो है वो हमें स्ट्रक्चर के बारे में बताता है प्रस्तुतिकरण की। फॉर्म क्या है, ख्याल क्या है, ख्याल के प्रस्तुतिकरण का स्ट्रक्चर क्या है, विलंबित क्या है, मध्य लय क्या है, द्रुत क्या है, और उसमें क्या होना चाहिए। सो ये जब होना चाहिए सवाल आता है तो हम योग्यता और अयोग्यता की बात करते हैं। कुछ चीजें हैं प्रस्तुतिकरण में, उस जगह में वही अच्छी दिखेगी और वही एक्सपेक्टेड है। अब ये जो पार्ट है, कोड वाला जो पार्ट है, वो मेरे हिसाब से श्रोता को मालूम होना बहुत जरूरी है। उसको ये मालूम होना चाहिए कि एक एक परफॉर्मेंस जो है वो क्या होता है और उसमें क्या होना चाहिए, अच्छा परफॉर्मेंस क्या होता है। अब ये जो अच्छे परफॉर्मेंस का जो कोड है वो हमें पर्पस की तरफ ले जाता है, उद्देश्य की तरफ ले जाता है प्रस्तुतिकरण के। उसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे, लेकिन आज मैं इतना ही कहूँगा कि इस पूरे नियमों के अंदर रह करके ये जो कलाकार को फ्रीडम है डेवलप करने का, ये समझना, ये जो पैराडॉक्स है ये समझना, ये ही अपना क्लासिकल संगीत समझना है।